हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग आपके लिए टोटली डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में मैं बात करने वाली हूँ आपके सवालों के जवाब की। आपकी जिंदगी में कई सवाल होंगे आपके, जो वन बाय वन आते रहते हैं दिमाग में, और आप सोचते हो कि कब मुझे इनके जवाब मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में हर समय थॉट्स चलते रहते हैं। उन थॉट्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती कि कौन कौन से हैं, कैसे हैं, और थॉट्स तो बहुत सारे होते हैं, पर आपके मेजर सवाल जो आप चाहते हो कि आपको इनके जवाब मिले, वो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यानी कि आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, या मेरा जो भी प्रोजेक्ट है वो फाइनल हो जाएगा, या आप कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो, तो कोई भी प्रश्न आप अपने मन में सोच सकते हो, और इन चार पायल्स में से एक पायल आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर है एमेथिस्ट क्रिस्टल एंजल, यहाँ पर है पायराइट टंबल, यहाँ पर है स्मोकी क्वार्ट्ज टंबल, और यहाँ पर है ग्रीन वेंटरीन एंजल। तो आपको जो अच्छी लगती है आप उनको चूज कर सकते हो। आपको चारों दिख रही है, और ये चारों पायल्स आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो मन में सोचें और उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो, पर सवाल अलग अलग होने चाहिए। अगर आपका प्रश्न शादी से रिलेटेड यहाँ पर है, तो काम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप ये वाला पायल भी चूज कर सकते हो। मतलब जैसे भी आपको लगता है कि आपको दो प्रश्न पूछने हैं, तो दो पायल सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको तीन प्रश्न पूछने हैं, तो आप तीन पायल सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आज आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही चूज करना है। आप दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, और चारों भी कर सकते हो, पर प्रश्न चार होने चाहिए। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जनरल रीडिंग है, तो ऐसा मत समझे कि पूरे चारों के चारों सवालों के जवाब आपको अगर मिल रहे हैं तो 100% रेजोनेट होगा, ऐसा नहीं कहूंगी मैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि चीजें रेजोनेट नहीं भी होती, तो ओपन माइंडेड रहकर देखना है। आप जानते ही हैं, टैरो वीडियोज आप ऑलरेडी देखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना है टैरो की वीडियोस देखते हुए, क्योंकि एनर्जीज अगर आपके साथ अलाइन है, अगर आपके साथ कनेक्ट है, तो पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो सकती है। पर अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि रीडिंग आपको रेजोनेट ना हो। तो इसलिए आपको बिल्कुल ओपन माइंडेड रहना है, और अगर कहीं ऐसा होता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, तब भी भगवान को ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, शुक्राना जरूर करना है उनका। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होती जाती हैं, और भगवान हमारे साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो आप लोगों के लिए आज की रीडिंग को मैं शुरू करूंगी। इससे पहले एक छोटी सी डिटेल आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है, आप वहां पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर इसकी डिटेल ले सकते हैं, और वहां पर मैं आपको बता दूंगी कि टैरो को सीखने का क्या सिस्टम है, कैसे मैं आपको टैरो सिखाऊंगी, और उसको सीख कर आप कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है आज के इंट्रो पार्ट की। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और बात भी मैं बता दूं कि आज मैं गाइडेंस भी साथ में दूंगी। अगर मान लीजिए आपका आंसर नो है, तो गाइडेंस भी साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगी कि यस है या नो है, तो गाइडेंस भी साथ में देने वाली हूं कि आपको इसके लिए क्या क्या करना है। तो आप चूज कीजिए अपना पायल, और हम शुरू करते हैं रीडिंग को। इसको मैं रख रही हूं अब साइड पर, और हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले एमेथिस्ट एंजल से। अगर आपने इस ब्यूटीफुल एंजल को चूज किया है, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूंगी कि आपको अपने क्राउन चक्रा पर, और इसके साथ साथ थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके विजन्स क्लियर हो जाएंगे। और अब मैं बात कर रही हूं आपके लिए कि कौन से आपकी जो विशेज हैं, जो आपके काम हैं, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, वो क्या आपके लिए यस आता है या नो आता है। कुछ कार्ड्स अनडिसाइडेड भी माने जाते हैं। मैं आज आपको टैरो का एक और जो सीक्रेट है वो बता देती हूँ। टैरो में कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो अनडिसाइडेड होते हैं, जो ये नहीं बताते कि यस होगा या नो होगा। तो ये जब मैं सिखाती हूँ, तब मैं ये सारी चीजें क्लियर करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है, आपका प्रश्न कोई भी हो सकता है, तो कार्ड जो है वो वही बात कि कुछ अनडिसाइडेड सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है,
आपको नहीं समझ में आता कि आपको क्या करना है, तो इसके लिए एक क्लैरिटी कार्ड भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर नो है। जो भी आप सवाल अपने मन में लेकर बैठे हो तो उसके लिए आपका जवाब जो है वो नो आया है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है या क्या करूँ कैसे करूँ, तो अभी नो है। इट मीन्स आपको ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हो एक महीना बाद दोबारा से पूछना होगा। एक महीना के बाद आप दोबारा से इसको अपने मन में लेकर आएं और दोबारा से इस पर वर्कआउट शुरू करें, क्योंकि अभी आपके लिए आंसर नो है। अभी आपको नहीं जाना है उस तरफ जहां पर आपका मन आपको लेकर जाना चाहता है। वो कोई भी प्रश्न हो सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, आपका प्रश्न कोई भी हो सकता है, पर आंसर यहाँ पर नो है। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कुछ डिच हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है, कोई आपको परेशान कर सकता है, आपके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, तो आपको करना क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आंसर नो है, तो चलिए जानते हैं कुछ एनर्जी कार्ड से। मैं देखती हूँ आपके लिए कि आपको करना क्या है। ओके, यहाँ पर है एप्रिसिएशन, वही आ गया। देखिए एमेथिस्ट एंजल हमने चूज किया था और एमेथिस्ट एंजल का ही एनर्जी कार्ड है जो ये कह रहा है कि आपको इस फैसले को करने के लिए ना अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है। पर्पल एनर्जी है ना यहाँ पर भी, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है, मेडिटेट करना है, अपनी एनर्जी को समझना है, तब आपको कहीं जाकर डिसीजन लेना चाहिए। तब आपको सही तरीके से पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। अभी आपको क्लियर नहीं है थॉट्स। और एप्रिसिएशन की एनर्जी यहाँ पर यह बता रही है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी काम करने होंगे जिससे आप सेल्फ मोटिवेट हो पाए। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप अपने आप को हमेशा इंस्पायर्ड रखें, मोटिवेट रखें। आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आप दूसरों को ये दिखा पाएं कि आप कितने अच्छे से किसी भी काम को कर सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो लर्निंग से आएगा, सीखने से आएगा। तो अभी आप कुछ भी ऐसा फैसला मत करें जिसमें आपको डिले चाहिए। अभी थोड़ा सा 1 मंथ के बाद आप दोबारा से इसको पूछ सकते हो। तब तक आप अपने आप पर काम करो, अपनी इंट्यूशन पर काम करो। अभी आपके जो ये रिलेटेड टू इस क्वेश्चन के जो आप पूछना चाहते हो उससे रिलेटेड आपकी एनर्जी सही नहीं है। तो वर्कआउट कीजिए थोड़ा सा और अपने आप को समझिए। एक मैं और एंजल कार्ड से कार्ड आपके लिए लेकर ये देखना चाहती हूँ कि क्लैरिटी आपको और कैसे मिलेगी। वाओ, यहाँ पर है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अगर आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपको इसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। यू आर रेडी टू गो, देयर इज नो नीड फॉर एडिशनल प्रिपरेशन, टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द चेंज यू डिजायर, इवन इफ दे आर स्मॉल स्टेप्स, नोटिस साइन दैट गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन एज वेल एज रिसोर्सेज एंड सपोर्ट दैट मिरेकुलसली अपीयर। तो यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से? तो अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हो, तो अभी आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो और आप मिरेकुलसली कुछ ऐसी चीजों को नोटिस करोगे जो साइंस के तौर पर आपको दिखेंगी। आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया ना, तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि आप मैनिफेस्ट करो सबसे पहले, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी जो अभी तक नहीं मिल पाई है। जो आंसर नो में है वो यस में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर नो आया है तो कल वो यस नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता। तो एनर्जीज हमेशा फ्लो करती है और अपनी विल पावर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी इंट्यूशन से और अपने आप योगा और मेडिटेशन से सब चीजों को बदल सकते हो। हर चीज चेंज हो सकती है, तो इसलिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। तो ये है आपकी फर्स्ट पाइल की रीडिंग के प्रश्न। जो भी है उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या करना है और कैसे आपकी एंजल्स मदद करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 की। अगर आपने इस पायरेट टंबल को चूज किया है, तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। हाँ है या ना है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है आंसर आपका। तो आप आंखें बंद कीजिए, अपने प्रश्न के बारे में सोचिए और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए प्रश्न का उत्तर क्या आता है। तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए और देखिए कि आपके प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। रिवील कर दूं, खोलूं इसको, बताइए।
चलिए खोल ही देते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो आंसर तो मिला जुला है, यस है, बट इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो जहां भी आपका प्रश्न जाता है वहीं आपको पीछे पीछे जाना होगा, तभी यस होगा। ऐसे नहीं है कि आपको अभी साथ के साथ ही यस मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट भी करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी करना हो सकता है। हो सकता है कि जहां पर आप अभी हो वहां पर आपको इसका उत्तर ना मिले, इसका उत्तर कहीं और जाकर आपको मिले, इसका आंसर कहीं और हो छुपा हुआ, तो आपको उसको निकालना है, रिवील करना है। तो आंसर तो यस है, बिल्कुल आपको वो मिलेगा। और आप पीछे जो समंदर छोड़कर जाओगे, आगे जाकर वहां पर आपको शांति मिलने वाली है, आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी। और इसके लिए आपको करना क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसके लिए आपको एफर्ट्स क्या करने चाहिए। अगर आंसर यस भी है, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपका, ट्रैवलिंग से भी, शादी से भी, पार्टनर के लिए भी, तो यस है। ओके, तो यहां पर है स्ट्रैटेजी की एनर्जी, स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, जॉब चाहते हो, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलें। आपको पता है कि आपको जॉब से रिलेटेड क्या क्या कुछ चाहिए, आप उसकी स्ट्रैटेजी तैयार कर लें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको पता है कि उसमें आपको क्या क्या कुछ चाहिए, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी जब आप स्ट्रैटेजिकली चलते हैं। पूरी तरह से एक बुक रेडी कर लें, एक किताब लिखें, उस पर क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो इस तरह से करके आप ना लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर लोगे। एक और एनर्जी कार्ड लेते हैं, कम्युनिटी। आपके लिए तो साफ साफ आंसर्स मिल चुके हैं कि आपको ग्रुप में काम करना है। अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं तो भी आपको आसपास के जो लोग होंगे, जो जॉब में आपके कलीग्स होंगे, उनके साथ मिलकर चलें, स्ट्रैटेजिकली चलें, अपने जो भी आपकी विशेष हैं उसको लिखें, और उसके लिए जो स्टेप लेना है उसको भी लिखें। अगर आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है अपने काम के लिए, तो उसको इग्नोर मत करें। तो आप अगर कुछ भी चाहते हैं, हो सकता है शादी का प्रश्न हो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का, तो वो भी थोड़ी दूर होगी, इसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा खोजने के लिए। आप अपने ही शहर में मत देखते रहें कि आपको यहीं पर रिश्ता मिल जाए, यहीं पर आपकी शादी हो जाए, तो थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, हो सकता है कुछ स्टेप्स पर हो, पर ट्रैवल तो करना होगा। और स्ट्रैटेजी और कम्युनिटी की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, जो आपको साफ साफ ये बता रही है कि एफर्ट्स क्या क्या लगने वाले हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर सकता है, तो उसको भी इन्वॉल्व कर लो, उसको भी आप ले आओ ताकि वो आपकी मदद करे, और जल्दी से आप उस सक्सेस को पाएं, जल्दी से आपका वो प्रश्न पूरा हो जिसका उत्तर आप चाहते हो, और ये डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी होगा। चलिए एक और मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। फोर ऑफ थॉट है यहाँ पर, तो आपके लिए एंजल की तरफ से ये संदेश है कि स्पेंड टाइम इन नेचर, लिसनिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल एंड योर ओन इनर वॉइस, बिकॉज ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन वॉन्ट प्रोवाइड द आंसर यू आर सीकिंग। कंसिडर टेकिंग अ वेकेशन, यहाँ पर भी देखिए ट्रेवलिंग है, और अ स्मॉल ब्रेक help you rejuvenate and become clear on what your next step should be. Meditation can be very helpful. Okay? तो यहाँ पर ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि आपका काम होने वाला है, आपको बहुत क्विकली या बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को, आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना है। अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है तो भी रेस्ट लें थोड़ा सा, और तैयारी करें अपनी, प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, प्लान करके करें, स्ट्रैटेजी बनाकर करें। अगर मान लीजिए आपने वेकेशन पर जाना है, उसका प्रश्न है कि हम ट्रैवलिंग पर कब जाएंगे, और ये बात जल्दी होगा, पर उसके लिए ना आपको पूरा प्लान करके, अपनी इकोनॉमी का पूरा प्लान करके चलना होगा, आपके पास फाइनेंसिस कितने हैं उसका पूरा प्लान करके चलें, किसी दोस्त को साथ लेकर चलें, तो इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे करना है। अगर आपका प्रश्न रिश्तों से रिलेटेड है, तो वहां पर भी आपके आसपास जो भी आपके लोग हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर अरेंज मैरिज चाहते हो तो भी आपकी कम्युनिटी ही आपकी मदद करेगी। इसके लिए ओवर एनालाइज मत करें किसी भी चीज को, थोड़ा ब्रेक लें, सोचें, आराम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तो बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मेडिटेशन कैन बी वेरी हेल्पफुल, तो यहां पर भी एंजल्स का मैसेज यही है कि मेडिटेशन आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो थोड़ा विचारें, स्ट्रैटेजिकली चलें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना भूल जाएंगे, जैसे ये खत्म होगी ना रीडिंग, तो आप भूल जाएंगे कि हमें चलना कैसे है। तो वो स्टेप आपको मिस नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपको जीत मिले, आपका जो प्रश्न है वो पूरा हो, तो आपको उसको मिस नहीं करना। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। आपका कोई भी प्रश्न है उसके लिए ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आंसर यस है।
आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ इस स्मोकी क्वार्ट्ज की, पाइल नंबर 3 की, पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं प्रश्न, सोच लीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या आता है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न आपने सोच लिया होगा, गहरी गहरी सांसें जरूर लीजिए, क्योंकि गहरी सांस लेने से ना आप अंदर से पूरी तरह से अलाइन होते हो और यूनिवर्सल एनर्जी से जल्दी से कनेक्ट हो जाते हो। तो गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन में भी ऐसा ही एहसास आपको करना होता है। जब आप एक लंबी गहरी सांस लेते हो और कैसे एकदम से अलाइन हो जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए अब मैं करूंगी आपकी रीडिंग और अब देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है और क्या आपके लिए आंसर आता है, यस नो क्या आएगा, अनडिसाइडेड, तो कुछ अनडिसाइडेड कार्ड्स भी होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि क्या आता है। मैं तो हमेशा प्रे करती हूँ कि आपका आंसर जो है, जो वो आप चाहते हैं वही हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी जो कोई एनिमी होता है तो उससे कोई छुटकारा चाहता है, तो आंसर यस आए तो ये बहुत अच्छी बात होती है ना। तो नेगेटिव आंसर्स भी जब यस आते हैं तो भी हमें खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको यस चाहिए तो यस ही आए, नो चाहिए तो नो ही आए। तो चलिए देखते हैं, चलिए करते हैं इसको रिवील। मैं जब यस नो के आंसर्स उठाती हूँ ना तो मुझे खुद ही बहुत एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि क्या आएगा क्या आएगा, है ना। आप लोगों को भी होती है एक्साइटमेंट, कमेंट में बताना कि क्या एक्साइटमेंट होती है या नहीं होती है। तो चलिए मैं रिवील कर रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स, तो कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि अनडिसाइडेड है। एक और कार्ड लेकर मैं इसका जो आंसर है वो लेना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पर बिग यस है, बिग यस, पर यहाँ पर कुछ अनडिसाइडेड है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए अपनी फैमिली की हेल्प लेना होगा, अपनी फैमिली के साथ मिलकर चलना होगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो रिश्तों से रिलेटेड है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा उनको, तभी आपको रास्ता दिखेगा, तभी आपको यस मिलेगा। आपके घर परिवार में जो भी लोग हैं आपको बहुत ही खुशी के साथ उनको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना अपने रिश्तों को तो आप गलती कर रहे हो, तो एक्सेप्ट करके चलना। अगर आपका प्रश्न ट्रैवलिंग से रिलेटेड है तो भी आपको परिवार को साथ लेकर जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका प्रश्न जॉब से रिलेटेड है तो भी आपको अपनी फैमिली से साथ मिलकर इमोशनली उनके साथ अटैच होकर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपको, वो अपॉर्चुनिटीज कैसी लग रही हैं उनके साथ शेयर करो अपनी बातों को और उनसे पूछो कि क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो वो आपकी ना स्ट्रांग यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, जो आपका परिवार है, आपके इमोशंस हैं, आपके अपने हैं। तो अगर आप उनको नहीं देख पा रहे हो तो देखो और उनसे प्रश्न पूछो कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो वो आपको आंसर देंगे और उनके आंसर को आप मानो भी। अगर आपका शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो परिवार को साथ लेकर चलो तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो मनाने की कोशिश करो। तो एनर्जी कार्ड से भी चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके लिए एनर्जीज हैं, गाइडेंस क्या है। एनबी, ओके ओके ओके, यहां पर है सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरिया। ओके, तो सेकेंड चक्रा आर्केंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने सेकेंड चक्रा पर जो नाभि से नीचे और मूलाधार से ऊपर होता है वो हमारा सेकेंड चक्रा होता है, तो उस पर वर्कआउट कीजिए। उससे आपको क्लियर होगा, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी काम में उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको विजन्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर है एनवी, तो जेलसी अगर किसी से थोड़ी बहुत भी है दिल में तो वो दूर कर दो, उस जेलसी को दूर कर दो। आपको लगता है कि आपके पास जो ऑप्शंस आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज जो भी आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सही नहीं है, ये किसी ईगो की वजह से भी हो सकता है। ये किसी अंदर आपके एक ऐसी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ईगो या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो, तो उसको हटाओ पहले। तो अगर आप अपने आप को क्लियर रखोगे ना तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। अभी आप क्लियर नहीं हो अपने थॉट्स में, अभी आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को आप लाइफ में मिस कर रहे हो। तो एक और एनर्जी कार्ड मैं एंजल कार्ड से देख रही हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। बी ओपन टू सक्सेस, यहाँ पर भी वही है, अपने आप को थोड़ा सा खुला रखो, बी ओपन टू सक्सेस।
अपने विचारों को थोड़ा खुला रखो। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर एक आपको मेल दिखाई देगा जो अपनी बाहों को ना पूरी तरह से, जैसे हम जकड़ कर बैठ जाते हैं कि हम लेना ही नहीं चाहते उस अपॉर्चुनिटी को, तो ये वैसा ही है। सक्सेस को पाने के लिए ओपन नहीं है, तो अपने आप को ओपन करो, बाहें खोल दो। जिस तरह से यहाँ पर बाहें खुली हुई है ना, तो रिसीव करना सीखोगे, रिसीव करोगे जल्दी से, तो ब्लॉकेजेस अपने आप क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी मुझे स्मोकी क्वार्ट्ज की एनर्जी यही बता रही है कि कुछ धुंधला धुंधला है, आपको इसकी मदद ले लेनी चाहिए। स्मोकी क्वार्ट्ज की मदद से ना आप धुंधलापन खत्म कर लोगे अपनी जिंदगी का, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है क्रिस्टल। यहाँ पर आगे है आपके लिए, बी ओपन टू सक्सेस, लुक एट ऑल वंडरफुल थिंग्स यू कैन डू व्हेन यू लिसन टू योर डिवाइन गाइडेंस। यू हैव बैलेंस सो मेनी डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड हैव कम आउट अ विनर। देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड प्रेज हेडेड योर वे, बट डोंट बी शाई, अलाउ अदर्स टू शावर यू विद द ग्रेटिट्यूड यू डिजर्व। तो यहाँ पर क्या एंजल्स कहते हैं, वही कहते हैं आपसे कि आपको अपनी बाहें खोलनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको प्रेज मिले, तो आपको बहुत ओपन हो जाना है, आपको शर्म नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के सामने बोलने से आपको शर्म आती है, किसी के आगे बोलने से आपको शर्म आती है, स्टेज फियर होता है लोगों को, वहां पर इमोशंस बैलेंस नहीं होते, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ओपन हो जाना है, अपने आप को ना कम्युनिकेट करो। और अपने आप से कम्युनिकेट जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। किसी के लिए द्वेष मत रखो, अपने आप को ओपन कर दो, बिल्कुल रिसीविंग मोड में आ जाओ। रिसीविंग मोड में कैसे आते हैं, रिसीविंग मोड में आते हैं जब आप खुद को बिल्कुल खोल देते हो, तब एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से रिसीव कर पाते हो। कोई भी एनर्जी आ जाए तब आप बाहें खोल कर खड़े हो कि आओ मेरे पास आओ, पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लो और नेगेटिव को छोड़ दो। तो आपकी यहाँ पर जो भी प्रश्न था उसके आंसर्स बहुत सारे हैं कि आपको खुलापन लेकर आना है अपने विचारों में, अपनी जिंदगी में। अपने आप को खोलो और यूनिवर्स को कहो कि जो देना चाहते हो पॉजिटिव वे में वो मुझे दो, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो आपको ना बहुत जल्द क्लैरिटी हो जाएगी। जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो, पर ध्यान दो इस बात की तरफ कि जो आपके पास आ रहा है वो आप परिवार से पूछो, आसपास के लोगों से पूछो कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, उनसे एडवाइस लो, गाइडेंस लो, तो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर है और इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है। ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं कर रही हूँ बात ग्रीन एवेंजरिंग एंजल की। अगर आपने ग्रीन एवेंजरिंग एंजल को चूज किया है तो अपने प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से चूज कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और अपना प्रश्न सोचिए। एक प्रश्न सोचिए और उसका आंसर लीजिए, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, आपको वो क्या कहना चाहते हैं। आपका आंसर यस है, नो है, साथ में गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए गहरी गहरी 5 बार सांस लें और अपना प्रश्न सोचें और अब मैं करूंगी आपकी रीडिंग। ओके, कनेक्टेड हो जाइए, अलाइन हो जाइए एनर्जीज के साथ और आपकी रीडिंग आने वाली है और हम इसको करेंगे रिवील। ये है आपका आंसर। भगवान को बोलिए कि अगर आपको अच्छा चाहिए तो आंसर यस आना चाहिए। जितना आप उससे कनेक्ट होकर बोलोगे ना, आंसर यस आएगा। और अगर नहीं कहोगे, अगर दिल से नहीं कहोगे तो आंसर नो भी आ सकता है। तो मैं प्रे करती हूँ कि आपका आंसर जो है वो अच्छा ही आए, पॉजिटिव ही आए और आपको वो मिले जो आप चाहते हो। तो पाइल नंबर 4 करते हैं रिवील। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो भाई आपका आंसर बिल्कुल नो है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि ये एनर्जी आए, पर आपको इस काम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नो है, अभी नहीं जाना चाहिए। 1 मंथ के बाद आप दोबारा से रिपीट क्वेश्चन सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर नो है, बिग नो है, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा भी आंसर आएगा। और चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता और इसके लिए बहुत 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 दिल में दुख होता है। तो दिल में दुख नहीं करना, रास्ते खोजने हैं और रास्ते कैसे खोजेंगे चलिए जानते हैं।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो, अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इकट्ठा करो कि ये जो स्टेप है ये आपकी जिंदगी से निकल जाए और आपको जो दुख झेलने थे वो झेल लिए, ऐसा मानकर अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आगे बढ़ो। डोर टू रोमांस, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको अपने दिल के दरवाजों को खोलना है। जिनका रिश्तों को लेकर प्रश्न है उनके लिए तो मैं खास तौर पर ये कहूंगी कि अपने दिल के दरवाजों को खोलो और कोशिश करो कि आप प्यार दो, जो भी है रिश्ता, कोशिश करो कि आप प्यार दो, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो। अगर वो सामने वाला इंसान आपको उतना नहीं दे रहा जो आप उससे चाहते हो तो भी थोड़ा समय दो, अभी थोड़ा समय निकालो, इसमें आपको थोड़ा समय निकाल देना चाहिए, इस दर्द से गुजर कर आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि आप इस एनर्जी को और इस एनर्जी को समझ पाए और कट आउट कर पाए कुछ चीजों को। एक और मैं एनर्जी कार्ड लेना चाहती हूँ, मैंने तीनों पाइल्स में नहीं लिया पर इसके लिए मैं जरूर लूंगी क्योंकि और गाइडेंस भी मैं देने की कोशिश करती हूँ। एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, गॉडेस ऑफ द मून। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आपको इंट्यूशन के साथ काम करना है, मेडिटेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मन को शांत करने के लिए। चंद्रमा जो होता है वो आपके मन का कारक है और यहाँ पर आपका मन ही व्यथित होगा जब आपकी विश पूरी नहीं होगी, जब आपका सवाल का उत्तर सही नहीं आएगा तो मन तो व्यथित होता ही है, तो आपको उसे कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे? अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंट्रोल करोगे, इंट्यूशन को डेवलप करके कंट्रोल करोगे, मेडिटेट करके कंट्रोल करोगे। तो चंद्रमा को थामना है बस, जब आपने चंद्रमा को समझ लिया ना बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। चंद्रमा हमारा मन होता है और जो इंसान मन को समझ लेता है उसको फिर लाइफ में कुछ और समझने की जरूरत नहीं रहती, उसको कंट्रोल करना आ जाता है, लाइफ को कंट्रोल करना आ जाता है। और जब आप जो लाइफ होती है वो ऐसे शेर की तरह होती है, बहुत ज्यादा डर वाली, दहाड़ने वाली, शेर जैसी एनर्जी है ना। जिंदगी में जब शेर कभी किसी के सामने आ जाए तो डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, तो लाइफ इस टाइम पर ऐसी चल रही है। पर आपने अपने अंदर के शेर की एनर्जी को कलेक्ट करना है, उसको समझना है और उसको समझकर उसको कंट्रोल करने की हैबिट डालनी है। कैसे कंट्रोल करेंगे? अपनी इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, बहुत ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत है आपको, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जिंदगी के इस दुख को काट सकते हैं आप, जिंदगी की इस नाक को काट सकते हैं आप। एक और कार्ड, मैसेज, मैसेंजर ऑफ इमोशन। ओके, यहाँ पर मैं इसको डिटेल करती हूँ। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दैट कुड ग्रो इन टू समथिंग डीपर। यू मे रिसीव अ मैसेज एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स दैट यू डिडंट इवन नो वर डेवलपिंग। A social invitation could soon be in its own way. There a person involved who's very gentle and loving with only the kindest of intentions. It could be you, especially if you are artistic, shy and sensitive. तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये बिगनिंग है एक नए इमोशनल साइकिल की। आपके लिए कुछ डीप भी हो सकता है, कुछ ग्रो भी हो सकता है, तो एक मैसेज तो आपको मिलने वाला है आपकी फीलिंग्स को लेकर, कुछ तो ऐसा है जो आपके पास आने वाला है जो आपको बताएगा कि अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हो ना, इस हर्ट से गुजर रहे हो तो कैसे उसको कंट्रोल करना है। और ये जो डोर टू रोमांस और मैसेंजर ऑफ इमोशन की एनर्जी है ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास है। क्वेश्चन कोई भी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपकी मदद करेगा, जो आपको इस दर्द से बाहर निकलने में मदद करेगा। किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी के मदर फादर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, तो कोई तो है जो आपको इस दर्द से बाहर निकालेगा। आंसर चाहे यस नहीं है पर आपको रास्ता जरूर दिख जाएगा जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर लोगे, जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे तो जरूर आपको रास्ते दिखेंगे। और एक महीना के बाद एनर्जी साइकिल चेंज होता है, तो आप वैसे तो 28 डेज के बाद एनर्जी साइकिल चेंज होता है, तो आप उस टाइम पर दोबारा से ये प्रश्न कर सकते हैं और एनर्जी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है जो अब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, काम करते रहिए, अपने स्टेप्स लेते रहिए धीरे धीरे, ताकि जो सक्सेस आज नहीं मिली वो कल मिल जाएगी। जो सक्सेस आज आपको दिख नहीं रही है वो शायद कल दिखने लगेगी। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो आज सक्सेस नहीं है पर जब वो कल सक्सेस होते हैं तो हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, हम उनसे मोटिवेट होते हैं। तो आप यूट्यूब तो भरा पड़ा है,
मोटिवेशन के साथ, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ, लर्निंग्स के साथ। तो देखिए मोटिवेशन के वीडियोस देखिए, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में जो भी लोग वैदिक ऊर्जा फैमिली से जुड़े हुए हैं वो मोटिवेट रहें हमेशा। कभी हारना नहीं है जिंदगी में, हार तो हमारे लिए बनी नहीं, ऐसा मानकर चलो। तो कभी भी आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। इसलिए जब ये एनर्जी आती है ना, तो इसे अपनी जिंदगी से निकालना कैसे है, यही स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल को आपको फेस करना है। अगर आप सही में हीरो हो तो फेस करोगे और इससे बाहर निकलोगे, और इससे हम पॉजिटिव वे में यस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।